भारतवर्ष के सभी किसान बंधुओं को कॉटन गुरु का सादर नमन। अभी हम मार्च 2020 में हैं। बहुत ही विचित्र वर्ष है 2020, क्योंकि जब शुरुआत हुई तब बहुत उम्मीदें थी कि अमेरिका और चीन में जो व्यापार युद्ध चल रहा है वो ख़त्म होते ही फिर कपास में रुई में डिमांड आएगी, चीन फिर से बहुत सा कॉटन खरीदने लगेगा और सभी कृषि चीज़ों के भाव भी कुछ हद तक बढ़ेंगे, कुछ बजट में अपने लिए आएगा और सब कुछ तब तो ठीक लग रहा था जनवरी फरवरी में। पर कॉटन गुरु के हर FPO मीट में हम किसानों को लगातार कहते आ रहे हैं कि ये मंदी नहीं, बहुत ही लंबी मंदी वाला समय है और आपको सरकार MSP जो सबसे ऊंचे कपास के भाव दे रही है वहाँ पे ही कपास बेचते रहना है। जून महीने से हम आपको कपास के मार्केट के बारे में गाइड करते हैं, जब आपका सोइंग सीजन था उसके बाद अक्टूबर में हमने फिर एक बार जब हमने फार्मर्सन अनाउंस किया तब भी आपको कपास के बाजार के बारे में बताया था और बायरों से मिलाया था जिन्होंने इंसेंटिव अनाउंस किया था कॉटन गुरु के रजिस्टर्ड किसानों के लिए। फिर नवंबर में FPO मीट में हमने बताया था कि बाजार कम रहने वाला है और आपको सरकार को बेचना है। 22 फरवरी में जो हमने FPO मीट मुंबई में बुलाई थी उसी में भी वही डायरेक्शन थे, कोई कुछ भी कहे हमें तो लंबी मंदी के लिए अपने आप को तैयार रखना है, अपनी कमर कसनी है और अपने खर्चे कैसे कम हो इस बात पे बहुत बहुत ध्यान रखना है। खर्चे कम करने का आज आपके पास एक ही उपाय या इलाज है कि आप संगठित हो और आप एकत्रित होके और कपास के जो बीज है और जो आपकी और ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक किसान नहीं, दो किसान नहीं, 100 नहीं, 500 किसान मिलके अगर आप खरीदी करते हैं तो आज कंपनियां भी तकलीफ में हैं, 10-20-25% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है। कॉटन गुरु इसके लिए कटिबद्ध है, हम आपके साथ में हैं। भारत के सभी FPO से हम अभी टच में हैं और एक FPO फैसिलिटेशन सेंटर जो हमने बनाया है जिसमें हम FPO के बिहाफ पे FPO के लिए हम ये नेगोशिएशन आपको करके देते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ और आपको आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अच्छी जेन्यून मिले, सस्ती मिले, समय पे मिले, ये गाइडेंस भी हम आपको देते हैं। इसका ज़रूर से लाभ लीजिए। कमाई करना अच्छी बात है लेकिन जब कमाई ना हो तो खर्चे कम करना ये उससे भी अच्छी बात है। तो ये वो समय है आपके लिए जब आप ये सब चीज़ें खरीदने वाले हैं अगले 2 महीने में खरीफ सीजन की बुआई से पहले। दूसरा, रोग, महामारी, महामंदी, ये 3 चीज़ों से आप अभी जूझ रहे हैं, हम सभी जूझ रहे हैं। पर महामारी के रूप में कोरोना तो सबसे बड़ा एक रोग बन के आया ही है और ये विश्व में फैल चुका है, करीबन 150 देशों में ये फैल चुका है। विश्व में 7,000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, 2,00,000 से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। तो इससे बच के रहने के लिए भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, गेट टुगेदर्स आप कम करें और जब भी घर पे आए तो हाथ बहुत ही अच्छी तरह धोए और अपने हाथों को अपने मुँह पे सीधे सीधा न लगाएं, आप रुमाल या नैपकिन का इस्तेमाल करें तो इस रोग से बच सकते हैं। खास करके जो 50 साल के ऊपर हैं या 10 साल के नीचे के बच्चे हैं या जिनको किसी भी और रोग का शरीर में वास है उनमें ये रोग बहुत जल्दी फैल जाता है। अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए किसान भाइयों, क्योंकि आप हैं तो आपका परिवार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी महामारी जो हम लगातार बताते जा रहे हैं वो है कपास में आपको जो गुलाबी बॉल वर्म है और जो बॉल रॉट है, इसके बारे में हम आपको लगातार फ़ोन से, वीडियो से, व्हाट्सएप से बताते जा रहे हैं। यूट्यूब में काफ़ी हमारे फिल्म भी अपलोडेड हैं। तो खेतों में बहुत ध्यान रखना है कि अगली सीजन में इस बीमारी से बचने के लिए आपको जो जो चीज़ें ज़रूरी करनी होंगी वो आपको करनी चाहिए, नहीं तो ये बीमारी अपने आप से जाने वाली नहीं है और बहुत लास्ट स्टेज पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही आती है जब आपके कपास के फूल फूटने लगते हैं तो तब ये नुकसान बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो मंदी महामारी से बचने के लिए अभी तो आपके पास एक इलाज है कि आपकी जो खरीदी है वो मिलजुल कर करें और एक संगठित रूप से करें। कॉटन गुरु हमेशा हर तकलीफ में आपके साथ में है। फिलहाल मौसम अपने साथ में नहीं है, बाजार अपने साथ में नहीं है, बीमारी दरवाजे पे खड़ी है लेकिन हारने वालों में से हम नहीं हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कॉटन गुरु का सभी किसान भाइयों को नई सीजन से पहले शुभ मंगल कामना।